हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको करंट और वोल्टेज के बारे में पता होगा। ठीक है, करंट क्या होती है और वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन तब भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है और ये कैसे किसी सर्किट के मतलब किसी सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही होगा कि जो करंट होती है, आपको पता होगा कि करंट जो होता है वो किसी वायर में फ्लो होता है और वायर जो होता है वो मेटल का बना होता है। ठीक है, तो जब करंट किसी वायर में फ्लो होती है मतलब किसी मेटल में फ्लो होती है तो उसके लिए चार्जेस की जरूरत पड़ती है, चार्ज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेटल के अंदर, इसका मतलब मेटल के अंदर जिस वायर में फ्लो हो रहा है तो उस तो वायर जो है वो मेटल की बनी हुई, तो उस मेटल के अंदर क्या है कि चार्ज प्रेजेंट है। तो मेटल के अंदर चार्ज प्रेजेंट किस रूप में रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। ठीक है, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है उस वायर में क्या होती है कि करंट हमारी फ्लो करती होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक कंडक्टर मैं बना रहा हूँ, एक वायर है उसको मैं उसका थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हमारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे कैसे आवेश होते हैं, माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसपे हमारा क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, और देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो इनकी अलग अलग थ्योरी है तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग पार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मेटल में क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर के लिए चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे हैं जो इस पूरे कंडक्टर में क्या कर सकते हैं कि रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हैं मतलब कि इसका दूसरा फिगर देखे, तो रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे कंडक्टर में ये क्या है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। मान लेते कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की डायरेक्शन में गया, ये हमारा नीचे राइट की तरफ है और ये जो है हमारा लेफ्ट की तरफ है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड। ठीक, इसी तरफ के कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये जब तक हम किसी कंडक्टर को यानी किसी वायर को जब तक हम बैटरी से नहीं कनेक्ट किए रहते हैं तब तक उस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रही, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्या है, क्या है इसकी डायरेक्शन, क्या है, जीरो है। तो इसलिए जब तक हम किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है तब तक इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो किधर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो हमें और ये भी पता है कि जो माइनस चार्ज होगा वो प्लस चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और अगर प्लस प्लस है, अगर दो सेम चार्जेस हैं तो इसका मतलब वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोज करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन दो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस चार्ज है, इसपे भी माइनस चार्ज, इसपे भी माइनस चार्ज, इसपे भी, इसपे भी, सब सारे इलेक्ट्रॉन पे हमारे क्या है, माइनस चार्ज। जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या होता है हमारा, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि बैटरी में दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये वाला जो सिरा है वायर का या कंडक्टर का, ये कैसा बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, और ये वाला सिरा क्या बन गया हमारा, ये निगेटिव बन गया। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब नेगेटिव जो चार्ज होगा वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक उसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन भी किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लस टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, प्लस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे,
मतलब ये हुआ कि ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, मूव कर रहे हैं। क्यों प्लस टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केस वन, केस टू और केस थ्री में क्या बता रहे हैं। इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर में यानी किसी भी मेटल में क्या होता है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक, और दूसरे वाले फिगर में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दूसरे वाले फिगर में ये बताने की कोशिश है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो रैंडमली किधर भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ क्या कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरे कंडक्टर में। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले फिगर में क्या बताया जा रहा है कि तीसरे वाले फिगर में ये बताया जा रहा है कि इसी कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है। तो हमें पता है कि बैटरी में दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस सिरे से कनेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ का सिरा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ये वाला जो है ये भी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक, उसी तरह ये वाला भी टर्मिनल कैसा बन जाएगा, ये वाला सिरा जो है कंडक्टर का वो कैसा बन जाएगा, निगेटिव टर्मिनल। और हमें पता है कि दो अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और इस पे भी माइनस, यहाँ का भी सिरा कैसा है, माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस इसको इस इलेक्ट्रॉन क्या क्या हुआ, रिपल किया, मतलब इसको अपने से दूर किया हुआ। और ये वाला प्लस, यहाँ पे प्लस सिरा प्लस टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस इलेक्ट्रॉन किधर गया हुआ, माइनस चार्ज किधर क्या हुआ, प्लस की तरफ। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट के कारण अब हमें पता क्या है। अब देखिए इस फिगर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन दिख रही है, इस वाले फिगर में नहीं थी। ठीक, तो जिसके कारण इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के कारण क्या होता है कि पूरे कंडक्टर में यानी इस पूरे सर्किट में क्या होती है, एक करंट फ्लो होने लगती है। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन मानी गई है शुरुआत से वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को मानी गई है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट मूव करती है, यानी करंट भी बहती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में चल रहा है तो इसका मतलब करंट किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब करंट हमारा इधर चल रहा है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल जा रहा है, लेकिन करंट क्या है, प्लस टू माइनस है। ठीक, प्लस टू माइनस है, और इसी तरह पूरी करंट हमारे सर्किट में क्या कर रही, फ्लो कर रही। तो यहां से हम देखेंगे कि करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या है। अब तक हमने क्या देखा कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, अब हम देखेंगे कि करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या है। आई थिंक आपको ये फिगर समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा से एग्जांपल से हमने इसको बताया, हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन काफी लंबा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अलग से हम एक वीडियो डाल देंगे, लेकिन अभी करंट कैसे फ्लो हो रही है, किसकी वजह से फ्लो हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर ये हमने छोटा सा डिस्कशन किया। तो हमको पता चला कि करंट जो हो रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, और करंट तब तक नहीं फ्लो हो रही थी जब तक हमने बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया। बैटरी से कनेक्ट करने के कारण क्या होगी, सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्लस टर्मिनल की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट करने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन गई, जिसके कारण करंट जो है वह पूरे सर्किट में फ्लो हो गई, और करंट जो है वह फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर मानी गई है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमारी करंट। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए करंट जो है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो देखिए अब इस फिगर को फोकस करते हैं और इस फिगर में देखते हैं कि कुछ और बातों को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो प्लस टर्मिनल है ये बता रहा है हमारा हाई वोल्टेज को, बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है ये क्या बता रहा है, हाई वोल्टेज बता रहा है। ये जो प्लस टर्मिनल है ये बता रहा है हाई वोल्टेज को। हाई वोल्टेज को दिखाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसको प्लस से दिखाते हैं, लो वोल्टेज को दिखाने के लिए हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और हाई वोल्टेज है इसका मतलब
हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज को हम बैटरी की जो टर्मिनल है उसको क्या किया है, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में क्या किया है, लंबा दिखाया, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे प्लस का मतलब क्या होता है हाई वोल्टेज और माइनस का मतलब क्या होता है लो वोल्टेज, क्या होता है लो वोल्टेज, ठीक है। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है लो वोल्टेज, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर 10 वोल्ट है और एक क्या है 5 वोल्ट है, तो इसमें हाई वोल्टेज कौन है 10 का, जाहिर सी बात है 10 बड़ा है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं प्लस से, और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं माइनस से, ठीक। प्लस का मतलब क्या हुआ, इसके कंपेरिजन में क्या है ये हाई वोल्टेज है, ठीक, और इसके कंपेरिजन में ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा लो वोल्टेज, ये क्या हो गया हमारा हाई वोल्टेज, और ये क्या हो गया हमारा लो वोल्टेज, ठीक। उसी तरह मान लेते कि ये 10 है और एक 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसको हम किससे दिखा सकते हैं, ये प्लस है, इसका मतलब क्या हमारा हाई वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है इसको हम किससे दिखा सकते हैं माइनस से, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है लो वोल्टेज, ठीक। ये हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को किससे दिखाएंगे हम प्लस से दिखाएंगे, लो वोल्टेज को हम किससे दिखाएंगे माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा आइडिया है कि बैटरी में प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब है कि उसका हाई वोल्टेज है, और माइनस का क्या मतलब है उसका नेगेटिव वोल्टेज, मतलब कि वो लो वोल्टेज है, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी हमारे करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि करंट को फ्लो होने के लिए कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर करंट फ्लो, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें यह है कि क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी, अगर जैसे कि इस मार्कर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो सकता। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए कंडक्टर में हमारा क्या होता है करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, किसी भी मेटल बॉडी में। दूसरी बात, दूसरी शर्त यह है कि हमारा क्या होना चाहिए कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस, मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक हाई वोल्टेज है तो क्या होना चाहिए लो वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। हम यहां पर कह सकते हैं हाई वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस मतलब कि दो वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दो वोल्टेज सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब उसमें कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर एक 10 वोल्ट है और दूसरा भी 10 वोल्ट है, तो इन दोनों को जब वोल्टेज डिफरेंस यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा जीरो वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस क्या है शून्य है। तो वोल्टेज डिफरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक हाई वोल्टेज होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए लो वोल्टेज होना चाहिए, तो इसलिए वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब दो वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए कि क्लोज पाथ होना चाहिए एज वेल एज रिटर्न पाथ, रिटर्न पाथ होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं कि क्लोज पाथ एज वेल एज रिटर्न पाथ का मतलब क्या है, तो इस फिगर में आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक फिगर बना देता हूँ, अभी पहले मैं कंडीशन को लिख देता हूँ, फिर मैं सारी कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, तीसरा क्या है आपका क्लोज पाथ एज वेल एज रिटर्न पाथ होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा एटलीस्ट
एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन द क्या नेटवर्क या सर्किट, इन द सर्किट। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए वोल्टेज सोर्स, सोर्स और क्या होना चाहिए, हो सकता है करंट सोर्स होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंडीशन फॉर द फॉर करंट फ्लो। करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब यह हो कि एक हाई वोल्टेज होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। दोनों वोल्टेज सेम नहीं हो सकते, ठीक। जैसा कि बैटरी, बैटरी में क्या होता है कि एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। प्लस टर्मिनल हमेशा क्या बताता है, हाई वोल्टेज को बताता है, और माइनस टर्मिनल क्या बता रहा है, यहाँ पे लो वोल्टेज। जैसे कि बैटरी मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 10 वोल्ट की क्या है, कोई बैटरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्लस टर्मिनल होगा इसका, ये बता रहा होगा 10 वोल्ट को, और जो माइनस टर्मिनल होगा वो बता रहा होगा यहाँ पे 0 वोल्ट को, ठीक है। प्लस टर्मिनल क्या बता रहा होगा इसके 10 वोल्ट को, और माइनस टर्मिनल क्या बता रहा होगा 0 वोल्ट को। तो देखिए यहाँ पे ये हाई वोल्टेज और ये क्या है, लो वोल्टेज।